समय कैसे फुर्र से उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि जिंदगी हमें एक ट्रेन के डब्बे में बिठाए किसी अनजान गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जिस बर्थ पर हम वर्तमान समझकर आराम से विराजमान हैं, वो निरंतर गतिशील है। रास्ते के अलग अलग स्टेशनों पर हमें कई मजेदार सहयात्रियों की संगत का सौभाग्य प्राप्त होता है, पर उनमें से कुछ ही हमारी यात्रा में लंबे समय तक जुड़े रह पाते हैं। अधिकांश अपनी अपनी मंजिलों की तलाश में किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपना रुख बदल लेते हैं, पर उनके साथ बिताए गए उन सुखद स्मृतियों की कटरी को हम सदा के लिए हृदय में संजोए रखते हैं। मेरे जीवन यात्रा में भी मुझे सन 1999 से 2002 तक एक ऐसे ही रोचक स्टेशन में खुद समय गुजारने का अवसर मिला था। यह पड़ाव था भारत की पूर्वी छोर पर स्थित आधुनिक उड़िया राज्य एवं प्राचीन उड़िया संस्कृति की रोमांचक राजधानी भुवनेश्वर। वैसे तो ऐतिहासिक कलिंग के वीरों की यह भूमि सदियों से प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के लिए जगत प्रसिद्ध रही है, पर भुवनेश्वर की भी एक अलग अतुलनीय पहचान है। जहां की अनगिनत शताब्दियों पुरानी महादेव के मंदिरों के कारण जो अद्भुत शिल्पकला और रचना सौंदर्य के अनुपम उदाहरण है, इन सभी में अलंकरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है लिंगराज का विशाल मंदिर, जिसके प्रत्येक शिला पर कारीगरी और मूर्तिकला का चमत्कार उकेरा गया है। लिंगराज के 180 फुट ऊंचे शिखर से आसानी से दिख जाता होगा वहां से कुछ ही दूर स्थित मेरा उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। वहां के कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के हॉस्टल नंबर 9 में प्रवेश करते ही कैसे अकस्मात कई अप्रत्याशित घटनाओं का एक क्रम सा लग गया। कुछ तो परिस्थितियां ऐसी बन गई थी और कुछ हालातों का शिकार हो मुझे मजबूरन सामना करना पड़ा था मेरे उस खौफनाक अदृश्य प्रतिद्वंदी का, जिससे मैं अब तक छिपकर बचता हुआ आया था। हिम्मत जुटाकर मैं किसी तरह वहां तक तो पहुंच गया था, पर किसी सार्वजनिक मंच पर इतने दर्शकों के सामने कुछ कह पाना वो जैसे इंट्रोवर्ट के मूल व्यक्तित्व के विरुद्ध था। हॉस्टल में आयोजित होने वाले इंग्लिश एलोक्यूशन प्रतियोगिता में मेरी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से थी, पर मेरी मानसिक स्थिति को बेहतर समझने के लिए आपको मेरे संग कुछ कदम पीछे चलना होगा फ्लैशबैक में। तब से करीब 2 वर्ष पहले जब मैं जमशेदपुर के लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ा करता था, तब मुझे एक इंटर स्कूल लघु नाटिका में भाग लेना पड़ा था। यूं कहिए कि मुझे भाग लेने को बाध्य किया गया था। सुनो, यह मुख्य किरदार है एक सूत्रधार का, दर्शकों के लिए वो पूरी कहानी को एक सूत्र में बांधेगा। मैंने यह किरदार तुम्हें सोचकर ही लिखा है, क्योंकि तुम संवेदनशील दिखते हो, तुम्हारी आंखों से ईमानदारी दिखती है, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम ही इस किरदार को निभाओ। यह थी मेरी हिंदी की शिक्षिका मिसेस शशि प्रसाद। उन्होंने मुझे लेडीज टीचर्स रूम में बुलाया था कुछ कहने को।
पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा कुछ प्रस्ताव लेकर आएंगी। मैं खुद की कल्पना भी नहीं कर सकता था इतने बड़े मंच पर। मैडम, आप किसी और को यह अवसर दे दीजिए, वरुण मुकुल या अभिरूप इसमें निपुण हैं। हम तो किसी एंगल से इसमें फिट नहीं बैठेंगे। उस समय अन्य टीचर्स भी वहां मौजूद थी। उनसे बचते हुए मैंने दबे हुए स्वर में कहा, मैडम हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम मंच पर कभी कुछ बोले नहीं हैं। मिसेस प्रसाद अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थी। तुरंत पलटवार की, बेटा शादी भी तो पहली बार करोगे, बीवी को देखकर तब भाग तो नहीं जाओगे। सारी टीचर से नजर बचाते हुए अपनी हामी भरकर वहां से निकल लेने में ही मैंने तब अकलमंदी समझी थी। खैर, हमारे प्रैक्टिस सेशंस आरंभ हुए और जैसे तैसे मैंने अपने लंबे लंबे डायलॉग्स को रट लिया। अंतर विद्यालय प्रतियोगिता जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारे के करीब केरला समाजम मॉडल स्कूल में होना था, पर उससे पहले हम अपने स्कूल में फाइनल रिहर्सल्स करने को तैयार थे। लिटिल फ्लावर स्कूल के विशाल ऑडिटोरियम के मंच पर मैं सहमा हुआ सा खड़ा था। नाटक का ओपनिंग लाइन मेरे मुख से ही था, नमस्कार मैं सूत्रधार हूं। मंच पर मैं आरंभ करने ही वाला था कि तभी मेरे बिल्कुल सीधे दर्शकों के पीछे से ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला और अचानक मेरी नजर पड़ी एक नन के श्वेत लिबास में आती हुई हमारी विदेशी यूरोपियन प्रिंसिपल सिस्टर हेलिना। उनके आते ही हॉल में एक सन्नाटा सा छा गया और साथ ही मेरे दिमाग की मोमबत्ती जैसे धुपधुपाती हुई बुझ गई। मैं मन में अपने लाइन्स दोहरा रहा था, नमस्कार मैं सूत्रधार हूं, नमस्कार मैं सूत्रधार हूं। पर जब फाइनल रिहर्सल आरंभ करने का निर्देश मिला तो सिस्टर हेलिना को सामने बैठे देख घबराहट के कारण पता नहीं कैसे मेरे मुख से निकला, सूत्रधार मैं नमस्कार हूं। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों की हंसी अब तक मेरे कानों में गूंज रही थी। उस अप्रिय अनुभव को मैं अब तक भुला न पाया था। इस कारण मंच पर कुछ भी कहने से मैं हमेशा पछता आया था। अब जब कॉलेज में इंग्लिश एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट आरंभ हुई तो अचानक वही पुराने घाव ताजा हो गए थे। खुद के काबिलियत पर मेरा भरोसा डगमगाने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा। अगर मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी तो क्या मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाऊंगा? अगर मैं अपने पॉइंट्स भूल गया तो? ऐसे कई सवालों से घिरे मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगा। एक बार गिरकर दोबारा संभलना निसंदेह बड़ा मुश्किल होता है। खुद से लड़कर असफलता के विचारों की परछाइयों को मिटाना पड़ता है। रेस्पेक्टेड वार्डन सर, माय एकॉम्प्लिश सीनियर, माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑल ब्लेस्ड टू बी बर्न इन सच ए वाइब्रेंट कंट्री। दिस इज आवर मदरलैंड, ए लैंड ऑफ आवर फोर फादर्स। Our state Odisha is part of a great nation. होस्टल का कार्यक्रम आरंभ होने पर जब एक एक वक्ता मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने लगे तब उनसे प्रेरित हो ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे
मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगने लगा हो। वे सभी हॉस्टल नंबर 9 के छात्र थे, पूरब के बालासोर से लेकर पश्चिम के बड़गढ़ तक और उत्तर के चोंझर से दक्षिण के कोरापुट तक। वे उड़ीसा के अलग अलग जिलों से थे, कई सुदूर ग्रामों से आए हुए थे और अधिकतर छात्रों ने अपनी शिक्षा पूर्णतः उड़िया भाषा में की थी। उनके अंग्रेजी के शब्द उच्चारण से झलक रहा था कि उन्होंने भाषा सुनकर नहीं बल्कि पढ़कर सीखी थी। अपनी मातृभाषा उड़िया का प्रभाव उनके सोचने और बोलने में स्पष्ट दिखता था। स्वाभाविक तौर पर उन्हें उड़िया भाषा में अपने विचारों को सोचकर फिर उनका अंग्रेजी अनुवाद व्यक्त करना पड़ता था। एक विदेशी भाषा को सीखने और अपनाने की उनकी निष्ठा निसंदेह प्रशंसनीय थी। इन सब कठिनाइयों के बावजूद वे अपनी छोटी मोटी त्रुटियों को नजरअंदाज कर बेखौफ पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। उनके विपरीत मेरी शिक्षा तो बचपन से ही अंग्रेजी माध्यम में हुई थी, अपने शहर जमशेदपुर के बेहतरीन स्कूल LFS में। वहां तो प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा यही थी। टीचर्स क्या, स्टूडेंट्स भी आपस में केवल इंग्लिश में ही संवाद करते थे। इस विदेशी भाषा के तौर तरीकों से मैं छोटी उम्र से ही भली भांति वाकिफ था। स्कूल के किताबों के अलावा मुझे रोजाना अंग्रेजी अखबार पढ़ने की भी आदत थी। इन सभी कारणों से निसंदेह प्रतियोगिता का पलड़ा अनुचित तौर पर मेरी ओर पहले से ही झुका हुआ था, क्योंकि इंग्लिश में कम्युनिकेट करना मेरे लिए स्वाभाविक था। मेरी चुनौती तो थी स्टेज फ्राइट के विरुद्ध। एक बार फिर मेरे विचार अतीत के उन स्कूल के दिनों में चला गया, जब उस एक्टिंग कंपटीशन के मुख्य चरण में भाग लेने मैं पहुंच गया था KSMS स्कूल। फाइनल रिहर्सल के दौरान घटी उस घटना ने मेरे ऊपर गहरा असर किया था। यूं समझ लीजिए कि उस सदमे से मैं उभर नहीं पा रहा था। कई बार प्रयत्न करने पर भी अब हर बार मेरे मुख से सूत्रधार मैं नमस्कार हूं ही निकल जा रहा था। मिसेस प्रसाद ही नहीं, मैं खुद भी हैरान परेशान था कि अचानक उस घटना के बाद ऐसा क्यों हो रहा था कि बार बार चेष्टा करने पर भी अनजाने में मेरे मुख से पहले नमस्कार नहीं सूत्रधार ही निकलता था। मैं मन में बार बार नमस्कार 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 दोहराता, पर किसी तरह मेरे मुंह से पहले सूत्रधार फिसल जाता था। Next performance is by Little Flowers। आखिरकार मेन परफॉर्मेंस की हमारी बारी घोषित हुई और मंच पर से पर्दा हटा। मैंने हैंगिंग माइक के नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। दर्शकों में मेरी नजर मिसेस प्रसाद पर गई, जो हाथ जोड़े मेरी ओर देखकर पहले नमस्कार करने का इशारा कर रहे थे। मन में मैं भी नमस्कार नमस्कार की रट लगा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को जोड़ा और सिर झुकाकर कह डाला, हे भगवान। उसी क्षण मिसेस प्रसाद ने हाथों से अपने सिर को दे पीटा, क्योंकि एक बार फिर मेरे मुंह से कॉन्फिडेंटली पहले निकला था सूत्रधार। पर अगले ही पल मैंने खुद को संभालते हुए इंप्रोवाइज कर कहा, जी हां, मैं हूं सूत्रधार, आप सभी को मेरा नमस्कार। यह सुनते ही
मिसेस प्रसाद के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी और साथ ही उस एक वाक्य ने मेरे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार किया। उसके बाद एक नूतन उत्साह और उमंग लिए मैंने पूरी शिद्दत के साथ अपना किरदार निभाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने प्रदर्शन के बदौलत उस प्रतियोगिता में मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। मैं स्कूल के उन शानदार यादों में समा ही गया था जब मेरे सीनियर पिंटू भाई ने मेरा पीठ थपथपाकर मुझे जगाते हुए हॉस्टल नंबर 9 में वापस ले आया। चलो एक बिहारी 100 पे भारी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। अगले प्रतियोगी के रूप में मेरे नाम की घोषणा की जा रही थी। तब तक मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट हो गया था। इंडिया ओवर द एजेस हैज ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड हैज अट्रैक्टेड एक्सप्लोरर्स, नॉलेज सीकर्स, इन्वेडर्स, सेटलर्स। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरी जिह्वा पर ज्ञान की देवी माता सरस्वती विराजमान हो। मैंने शायद ही इससे पहले इतने विश्वास और निडरता से किसी मंच पर अपने खुद के मौलिक विचार रखे होंगे। करीब 6 से 7 मिनट तक मैं उस प्रवाह में बोलता चला गया। मैंने अपने से पहले बोलने वाले वक्ताओं के वैलिड लॉजिकल पॉइंट्स की सराहना भी की और अंत में पिंटू भाई को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दिया। पहले कुछ पल तो सभी स्तब्ध हो सुनते रहे, फिर तालियों की कड़कड़ाहट से मैं आश्वस्त हुआ कि मैंने अपना कार्य सही तरीके से संपन्न कर लिया था। सबसे पहले तो पिंटू भाई ने आकर मुझे गले लगा लिया। गजब, क्या बोला तू, छा गया पूरा। होस्टल वार्डन और प्रतियोगिता के जज सामंतराय सर भी गदगद हो मेरे पास आए और शाबाशी दी। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी बन गया हूँ। भाई क्या अंग्रेजी बोल लेता है तू, एक नंबर। और सबसे तारीफ बटोर रहा हूँ। वाह भाई मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि सामंतराय सर एनसीसी से भी जुड़े हुए थे। उन्हें 2 ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश थी जो इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में उड़ीसा गवर्नमेंट को स्मार्टली रिप्रेजेंट करें और 2 हफ्ते के दौरे के लिए राजस्थान जाएं। उन्होंने मुझे देखकर कहा, आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर द रोल, मीट मी इन द मॉर्निंग टुमारो। आपने लोकप्रिय अभिनेता ऋतिक रोशन को कहते हुए सुना होगा कि डर के आगे जीत है। जहां तो एक तीर से 2 शिकार हो गए थे, इंग्लिश एलिक्यूशन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और संभवतः नजदीकी भविष्य में सरकारी खर्च पर राजस्थान की यात्रा। इस अनुभव से मैंने सीखा था कि जीवन के सफर में हमें ऐसे कई सुनहरे अवसर मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम सभी स्वयं अपने जीवन यात्राओं के सूत्रधार हैं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, मैं सूत्रधार हूं, या यूं कहें कि सूत्रधार मैं नमस्कार हूं।